हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीटेक पॉली पे स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला सेशन, जिसमें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो हमारा यूपी बीटी ने डिज़ाइन किया हुआ है सिलेबस, जो आपको पढ़ना है, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि सिलेबस हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं सबसे पहले बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंडित किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, वेरी गुड, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर हैं आप, वेरी गुड। एरिक गुड इवनिंग, इंद्रेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग लाइक और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। आज पहला सेशन है तो आप अपने जितने भी फेवरेट दोस्त होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनको आप लोग सेंड कर दीजिए। गुड इवनिंग राजेश गौड़, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा फोटो है, ठीक है, अच्छा सा। और आप अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को जो सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसमें हम आप यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास लेने के लिए, थैंक यू सर संदीप कुमार, थैंक यू आपको भी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए। रीति पाल गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ा शेयर करिए सेशन को, मज़ा आए थोड़ा। मुझे भी फीवर है, मैं भी दवा खा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से ही एनर्जी आती है, आप लोगों का मोटिवेशन देख के ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वेरी गुड, गुड इवनिंग सर, मैं बिहार से हूँ, वेरी गुड, बिहार से भी बच्चे हैं, ठीक है। क्लास के लिए थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में देख लिया आप लोगों ने, मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप लोगों को, जिसमें हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टाइम आप जान लीजिए कि आपकी क्लासेस रोज कितने बजे चलती हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सोनू मेहता, गुड इवनिंग संदीप, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोगों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये मैं क्लास मैं लूँगा, मेरा नाम राकेश कुमार है, और ये सारी क्लासेस जो है लाइव चलेंगी जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, बहुत धमाकेदार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा कहा जाता है कि सर ये बहुत बोरिंग है, इसको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा ख़तरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बाकायदे फ़ोटो के साथ, इमेज के साथ, कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ उसकी इमेज भी हम लेके आएंगे और आपको बताएंगे। बाई लैंग्वेज चलेगी, बाई लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जो हिंदी भी वाले होंगे, कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो इंग्लिश वाले भी होंगे, हम दोनों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आवेश यादव, गुड इवनिंग उत्तम मिश्रा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल गौरव सर को भी थैंक यू, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने देख लिया मेरी जो क्लासेस हैं वो कितने बजे होगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 5 बजे होगी, और मैं लूँगा इसको, ठीक है। लाइव चलेंगी क्लासेस 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में जुड़ें और इन्जॉय होगा फिर सेशन का, ठीक है। गुड इवनिंग उत्तम मिश्रा, ठीक है। अब देखिए, आपका सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन पहला जो चैप्टर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो बिल्डिंग की हम क्या करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाइएगा सर, बिल्कुल पढ़ाऊंगा सोलू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का भी ध्यान रखूंगा, हिंदी का भी ध्यान रखूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। टेक क्या करने वाले हैं अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, भवन किसको कहते हैं, आप लोग जानते तो हैं भवन क्या होता है, अब उसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, यही आप लोग नहीं लिख पाते, ठीक है। अभी कोई आपसे पूछ दे कि भवन की बिल्डिंग की बताइए डेफिनेशन, आप नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, यानी ऑक्यूपेंसी के आधार पे बिल्डिंग को क्लासिफाई किया गया है, नेशनल बिल्डिंग जो हमारा क्या है कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसके द्वारा बिल्डिंग को अलग अलग क्या किया गया है, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कि आप रेसिडेंशियल है, आप क्या है,
कॉमर्शियल है, असेंबली है, इंस्टीट्यूशनल है, बहुत सारे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं भवनों का। ठीक है, ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे तो वो हिंदी में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा उत्तम मिश्रा जी। ठीक, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी, ऑक्युपेंसी के आधार पे भवनों का जो बिल्डिंग का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है कि सर डिफरेंट पार्ट होते हैं बिल्डिंग में। जैसे अगर पार्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि फाउंडेशन से लेके दीवार से लेके डोर दरवाज़ा से लेके खिड़की से ले सारे के सारे क्या है, ये सारी हमारी पार्ट हैं बिल्डिंग की। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्लास्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, ईंट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब क्लास लगेगी तो उसमें आपको दिख जाएगा। सर थर्ड सेमेस्टर का सभी क्लासेस फ्री चलेगा प्लीज़ बता दीजिए। सभी का नहीं पता, यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैं ले रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है और शाम को 5 बजे चलने वाली है। ठीक है, सिंपल आदित्य FF, ओके। ठीक, इसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन छोटा सा एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पे करने वाले। दूसरा अगर हम बात करें कि पहला तो हो गया, दूसरा फाउंडेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भवन बनाते हैं तो उसका सबसे जो आधार मतलब बेस जो होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप होता है भवन बनाने का, दैट इज फाउंडेशन, यानी न्यू। ठीक, न्यू का काम करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन एंड इट्स पर्पस, इसका मतलब क्या है कि फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाते हैं फाउंडेशन, उसके बाद दूसरा इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया फाउंडेशन में ही, टाइप ऑफ फाउंडेशन में सैलो और डीप फाउंडेशन। ठीक है, कुछ फाउंडेशन सैलो होते हैं, उथला होते हैं, ठीक है, उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और दूसरा क्या है, डीप फाउंडेशन यानी गहरा। ठीक है, पाइल फाउंडेशन वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसी के अंदर यानी फाउंडेशन सैलो और डीप के अंदर, सैलो फाउंडेशन में हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर वॉल के लिए डेप्थ के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, थंब रूल क्या होनी चाहिए डेप्थ के लिए, और विड्थ के बारे में भी हम यहाँ पे फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक जो बनाते हैं फाउंडेशन उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्टेप फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैसनरी पिलर एंड कंक्रीट कॉलम की, राफ्ट फाउंडेशन की, ये सारे क्या है फाउंडेशन के अलग अलग क्या है टाइप है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी यहाँ पे बात हो रही है केवल सिलेबस की, तो आप सिलेबस देखिए कि हमें पढ़ना क्या है, माइंड में एक बार आ जाए, विजुलाइजेशन हो जाए कि हाँ सर आपने बताया था कि सैलो और डीप फाउंडेशन हमें पढ़ना है, कुछ होता भी है। ठीक है, अभय गुप्ता गुड इवनिंग। ठीक, इंट्रोडक्शन टू डीप फाउंडेशन एंड दियर टाइप, यानी जो डीप फाउंडेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि डीप फाउंडेशन होता क्या है। दूसरा फिर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे भी पहला टाइप हमें बताया कि जैसे उसका पाइल फाउंडेशन हो गया, ठीक है, वेल फाउंडेशन हो गया, ये सब डीप फाउंडेशन के अंदर आते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थवर्क, ठीक है, अर्थवर्क में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दूसरे चैप्टर में ही जो फाउंडेशन है उसी में हम बात करें तो क्या करने वाले हैं, लेआउट और सेटिंग आउट ऑफ सर्विस एग्जावेशन, यानी एग्जावेशन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, सरफेस को हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, एग्जावेशन करते हैं। ठीक है, कटिंग फिलिंग, कहीं अगर काटना होता है कोई गड्ढा है तो वहाँ फिलिंग करते हैं, कोई पहाड़ टाइप का है टीला है तो उसको मिट्टी को हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कटिंग एंड फिलिंग। ठीक, एग्जावेशन ऑफ फाउंडेशन, एग्जावेशन ऑफ फाउंडेशन खुदाई का फाउंडेशन, ठीक है, जो यहाँ पे था। इसके बाद ट्रेंचेस क्या होते हैं, सोरिंग क्या होती है, टिम्बरिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टेक्निकल टर्म है सारे के सारे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल टर्म यूज़ किए जाते हैं वही यहाँ पे है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे या डिस्कस करेंगे बाद में जब हमारी ये क्लास चलेगी तब। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस को जानना बड़ा ज़रूरी है, अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है तो कितना भी एफर्ट कर लो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे,
बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस क्या है। हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो गोल है वो सेट हो रहा है, कल से जब हम करेंगे तो उस पर हम फिर काम करेंगे उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेंचेस सोरिंग क्या होती है, टिम्बरिंग क्या होती है, उसके बाद डी वाटरिंग क्या होती है, तो ये हम क्या करेंगे दूसरे चैप्टर तक हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, चैप्टर नंबर थर्ड, इसमें हम वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल यानी दीवार के बारे में, ठीक। पर्पज़ ऑफ वॉल, वॉल की पर्पज़ क्या है, दीवार क्यों बनाते हैं, ठीक है। श्याम नारायण गुड इवनिंग, हम क्या क्यों बनाते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वॉल की क्या ज़रूरत है, उसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, वॉल का क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो हम यहाँ पे लोड बियरिंग वॉल पढ़ेंगे, नॉन लोड बियरिंग वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉर्फ वॉल पढ़ेंगे, रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेस्ट वॉल के बारे में पढ़ेंगे, एंड पार्टीशन वॉल के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल एज पर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी ब्रिक के आधार पे, स्टोन के आधार पे, रेनफोर्स्ड यानी सरिया के आधार पे, और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के आधार पे, प्रीकास्ट के आधार पे, हॉलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक के आधार पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं दीवार की, पूरा का पूरा दीवार के बारे में हम पढ़ेंगे, वॉल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, गुड। उसके बाद पार्टीशन वॉल, अगर पार्टीशन की वॉल बात करें हम, घर के बाहर बाहर जो दीवार होता है, ठीक है ना, जो एक्सटीरियर दीवार होता है वो मेन दीवार होता है, लोड बेयरिंग वॉल, बेयरिंग वॉल हम कह सकते हैं, और जब घर के अंदर जितनी भी वॉल होती है दैट इज क्या होती है, इंटीरियर वॉल होती है या पार्टीशन वॉल होती है। तो पार्टीशन वॉल में कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सुटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक का यूज़ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे वुडन पार्टीशन वॉल, ठीक है, जो पार्टीशन वगैरह प्लाईबोर्ड वगैरह होती है आप लोगों ने देखा होगा, पार्टीशन की जगह हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। एस चर्च चहर गेमिंग, ओके सर, ठीक है, श्याम नारायण गुड गुड इवनिंग, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोसाइटी, अच्छा जी आप भी हैं, अभय गुप्ता गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये हमारा वॉल के बारे में, ठीक है ना, दीवार के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, उसी दीवार में ही स्क्रब फोल्डिंग, अगर आपको देखते हैं कि अगर ज़्यादा हाइट पे हमें क्या करना है, ब्रिक्स का काम करना है यानी ईंट को जुड़ाई करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शटरिंग वगैरह का काम करते हैं, मचान लगाते हैं, स्क्रब फोल्डिंग लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड सुटेबिलिटी ऑफ मेसन्स, मतलब मेसन का मतलब क्या हो गया कि ईंट की जुड़ाई, ठीक है। लेयर अगर हम करते हैं तो उसमें हम कौन कौन सा मचान का यूज करते हैं ये भी देखेंगे, एंड यहाँ पे टिम्बर, ठीक है, और यहाँ पे ट्यूबुलर स्क्रब फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, सोरिंग अंडर पाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सोरिंग अंडर पाइनिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैसनरी, ठीक है, इसके बाद क्या है मैसनरी, मैसनरी का मतलब होता है चिनाई, ठीक है। ईंट को किससे जोड़ते हैं, मसाला से, मसाला को सिविल इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, मोर्टार, ठीक है, मोर्टार से ही मैसनरी बना हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसनरी पढ़ने वाले हैं जिसमें ब्रिक मैसनरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन टर्म लाइक हेडर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि सर अरबिक, हेलो 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 अन्नु गुड इवनिंग, ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि सर ये तो बस हम डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप आगे फर्दर मूव करेंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, अगर आप कंपटीशन का कोई भी जेई वगैरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अगर वेटेज है तो इसी का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बीएमसी का, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, ठीक है। बिल्डिंग मैसनरी, ब्रिक मैसनरी में हम डेफिनेशन ऑफ टर्म लाइक हेडर, स्ट्रक्चर, क्विन क्लोजर, किंग क्लोजर, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यून क्या होता है, कोर्स बॉन्ड क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, बैकिंग क्या होती है, हर्टिंग क्या होती है, जेम्ब क्या होता है, रिवेल्स क्या होता है,
बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में, सॉफिट क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, पिलर क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर करें, आप लोग अपने स्टूडेंट्स जो भी हमारे हैं पढ़ने वाले, आपके जो दोस्त हैं उनको आप एक बार शेयर करिए, शेयर करिए एक बार, सर की बात को भी मान लीजिए। गुड इवनिंग श्याम, ठीक है। फिर हम बॉन्ड के बारे में देखेंगे, इसके मीनिंग और नेसेसिटी क्यों आवश्यक है। इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड और अदर टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इससे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये आपके कैरियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो मेथड ऑफ लेइंग ब्रिक, ब्रिक को जब हम बिछाते हैं तो कौन कौन से मेथड होते हैं बिछाने के वॉल में। इसके बाद प्रिकॉशंस ऑब्जर्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, हम वॉल को जब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो प्रिकॉशन यानी कौन कौन सी सावधानियां को रख के हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क को करते हैं, ठीक है। सर इतने कम बच्चे हैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एरिक आप लोग शेयर कीजिए एक बार, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल, ठीक है। मेथड ऑफ बॉन्डिंग यानी बॉन्ड के जो मेथड हैं, कौन कौन से बॉन्डिंग हम करते हैं, किस 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 मेथड से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, मोर्टार में अगर हम बात करें कि टाइप्स, सेलेक्शन ऑफ मोर्टार एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है ना, यानी इसके प्रिपरेशन को हम कैसे मोर्टार को प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। रीति पाल, ओके, बिल्कुल आप लोग करिए, ठीक है ना, कर लीजिए एक बार, शेयर कर लीजिए। दवा खा के मैं फीवर में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए हम कितने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर तक नहीं करते, ये गलत चीज़ है, आप लोग शेयर करिए। ठीक है, आगे देखिए, स्टोन मैसनरी, ठीक है, स्टोन मैसनरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी पत्थर चिनाई, तो इसमें ग्लोसरी ऑफ टर्म क्या होता है, नेचुरल बेड क्या होता है, ठीक है, बेडिंग प्लेन्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, कॉर्बेल क्या होते हैं, कॉर्निश क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इन कोर्स ग्राउटिंग, ठीक है, ग्राउटिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोल्डिंग के बारे में, टेम्पलेट्स के बारे में, कॉर्नर स्टोन के बारे में, बॉन्ड स्टोन के बारे में, थ्रोटिंग थ्रू, ठीक है, स्टोन, पैरापेट, कोपिंग, प्लास्टर एंड बट्रेस, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति कल्याणी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संतोष सिंह, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है सर, बिल्कुल, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही हाईली वेटेज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप एग्ज़ाम तो देंगे ही, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्या है, आपका ये गोल है, ठीक है, आपको अगर गोल ही नहीं पता होगा तो आप क्लास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए सिलेबस को आप लोग हल्के में मत लीजिए। जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले दिया होता है क्या, सिलेबस, कि आप पहले से सतर्क हो जाइए कि आपको पढ़ना क्या है। बाकी इतनी मोटी बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप सिलेबस को कवर करिए इतने में, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, आज केवल सिलेबस बताया जाएगा, कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी, और एक बार आप देख लीजिएगा पढ़ के, ख़तरनाक तरीके से, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, ठीक है ना। PPT जो मैं बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन यहाँ पे, वो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं विद फिगर, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि पैरापेट क्या होता है, तो आपको पैरापेट का हम फोटो भी लाएंगे, ठीक है ना, इमेज भी लाएंगे। सर बिल्डिंग ड्राइंग का भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पैरापेट, कोपिंग, प्लास्टर एंड बट्रेस। फिर आता है टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी के प्रकार में रबल मैसनरी, रैंडम एंड कोर्स
एसलार मैसनरी प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी, यानी एसलार यानी स्टोन मैसनरी में जो प्रिंसिपल को हम कंसिडर करेंगे वो कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपर उम्दा तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से। सर जी डेली क्लास लेना है आप? बिल्कुल लूँगा। एरिक नोबी, बिल्कुल आपका नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेनर है कोई, ठीक है मैं क्लास लूँगा, ठीक है। हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेना सर जी, पढ़ाइएगा प्लीज़। बिल्कुल संतोष सिंह, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आर्चेस एंड लिंटल, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमारा आर्चेस एंड लिंटल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यू चैप्टर में, जिसमें हम यहाँ पे मीनिंग एंड यूज ऑफ आर्चेस एंड लिंटल, आर्च क्या होता है और लिंटल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या होता है। ऐसे नॉर्मली तो हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सर जी मैं चेंज कर दूंगा नाम, बिल्कुल बिल्कुल आप चेंज कर लीजिए, अपना ओरिजिनल नाम पे रहिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ टर्म यूज इन आर्च, आर्चेस क्या होते हैं, लिंटल में क्या होते हैं, एब्यूटमेंट, पियर, आर्चेस, रिंग क्या होती हैं, ये छोटे छोटे टर्म हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्राडोज क्या होता है, सॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्राडोज क्या होता है, वॉसनर्स क्या होते हैं, स्प्रिंजर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्प्रिंजर, स्प्रिंगिंग लाइन, क्राउन क्या होता है, की स्टोन क्या होते हैं, स्क्यू बैक क्या होता है, स्पैन क्या होता है, राइज डेप्थ ऑफ एन आर्चेस क्या होते हैं, हॉन्च स्प्रैंडल क्या होती है। इसके बाद जैम्ब के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। श्याम नारायण सर बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, थैंक यू श्याम, थैंक यू श्याम। टेक बियरिंग थिकनेस ऑफ लेंटल, इफेक्टिव स्पैन के बारे में बच्चों हम इसमें, इस जो हमारा पांचवा चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, आर्चेस में टाइप ऑफ आर्चेस, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेगमेंटल, एलिप्टिकल एंड पैराबोलिक, ये क्या है, शेप के आधार पे आर्चेस का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ठीक है। क्या होता है मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और ट्रस्ट मी आप मेरे से पढ़िए, देखिए अगर आपको एक एक चीज़ पूरे लाइफ टाइम आप कभी भी किसी भी टर्म को नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, पूरे मन से पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों से पूछूंगा भी कि समझ में आया कि नहीं, बाकायदे अच्छे तरीके से चलेगी क्लास। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, कि सब थ्योरेटिकल है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करनी है, ठीक। मणिपुरी आईजी स्टेटस लाइक, बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात करें आर्चेस, टाइप ऑफ आर्चेस में मैंने बता दिया शेप के आधार पे, इसके बाद इन्वर्टेड एंड रिवेलिंग, फिर यहाँ पे स्टोन आर्चेस एंड दियर कंस्ट्रक्शन, यानी स्टोन आर्चेस जो होंगी उसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और उस यहाँ पे हम स्टोन आर्चेस के बारे में और उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, फिर ब्रिक आर्चेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके दियर कंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे लिंटल की अगर हम बात करें तो पर्पज़ ऑफ लिंटल, आप लोग घर बनता होगा तो कहते हैं कि लिंटल ढला गया है, उसका पर्पज़ क्या है ये भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ज्योति कल्याणी पर डे, बिल्कुल अनूप पासवान हो गया सर जी, वेरी गुड। टेक मटेरियल्स यूज्ड फॉर लिंटल, लिंटल जब बनता होगा आपके घर में तो कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक टेक्निकल टर्म में भी बात करेंगे, ठीक है। कास्ट इन सेतु क्या होता है और प्री कास्ट लिंटल क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लिंटल अलोंग विथ सनसेट और छज्जा, इसके बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। अब आता है डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डोर, दरवाज़ा, खिड़की, वेंटिलेटर वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं,
कहाँ पे अलग अलग प्रकार की खिड़की दरवाज़ा का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी तक आप बेसिक चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जब आप क्लास ले लेंगे तो आप बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करेंगे कि अच्छा सर हम तो दरवाज़ा एक ही जान रहे थे, दरवाज़ा तो 10 प्रकार के होते हैं, खिड़की सर ऐसी ऐसी होती है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसके किसके बारे में, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डोर विंडो और वेंटिलेशन में, ग्रोसरी ऑफ टर्म यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टर्म, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल से हम यहाँ पे वुड का हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंड देयर सूटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ डोर, पैनल डोर हो गया, फ्लश डोर के बारे में बात करेंगे, फिर ग्लास डोर, रोलिंग शटर, स्टील डोर, स्लाइडिंग डोर, प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम डोर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम अब तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है सबके घर में। ठीक है, मैं हिंदी वाला, बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सर जी ये सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट तो होने दीजिए आप। ठीक है, विंडो की अगर हम बात करें तो पैनल विंडो पढ़ेंगे, ग्लेज्ड विंडो पढ़ेंगे, इसमें फिक्स्ड और ओपनेबल पढ़ेंगे, फिर वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्काईलाइट विंडो के बारे में पढ़ेंगे, लोअर्ड शटर क्या होता है, प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम विंडोज़ क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसा होता है दिखने में, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर आता है डोर एंड विंडो। ठीक है, डोर एंड विंडो फ्रेम के बारे में ही स्टडी करेंगे, मटेरियल एंड सेक्शन, फिक्स्चर्स और फास्टनर्स, होल्ड क्या होते हैं, फास्टनर क्या होते हैं, होल्ड फास्ट क्या होते हैं, डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग, यानी इसका मतलब है कि हमारे बिल्डिंग में सीलिंग ना आए, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, डैम्पनेस एंड इट्स, ठीक है, इफेक्ट ऑन ब्रिक, ब्रिक में क्या इफेक्ट होता है, प्लास्टर में क्या होता है, वुडन वगैरह घर में अगर खिड़की दरवाजे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है सीलन का, वुडन फिक्स्चर्स के बारे में, मेटल फिक्स्चर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, देन रेनफोर्स्ड यानी सरिया के बारे में, डैमेज ऑफ एस्थेटिक अपीयरेंस, एस्थेटिक का मतलब होता है जैसे सुंदर कोई चीज़ दिखता है तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। ठीक है, अगर कोई चीज़ सुंदर दिख रहा है लेकिन उसमें क्या है, कोई डैमेज आ गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं, डैमेज टू हीट इंसुलेटिंग, हीट इंसुलेटिंग के बारे में देखेंगे, मेटल डैमेज टू स्टोर्ड आर्टिकल एंड हेल्थ के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल संतोष, पूरा का पूरा ये YouTube पे चलेगा। ठीक है सर, अब सर क्लास आप पर भी होगा ऐप पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस, मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इसके बारे में जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर इंट्रैप्ड क्या होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मॉइस्चर इन कंक्रीट मैशनरी, कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग वर्क ETC, मॉइस्चर विच ऑरिजिनेट्स इन द बिल्डिंग इट सेल्फ, वाटर जैसे वाटर इन किचन, वाटर किचन में या बाथरूम हो गया, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पे पानी से यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए डैम प्रूफिंग मटेरियल अगर हो गया, ठीक, उसके स्पेसिफिकेशन, रीच कंक्रीट क्या होती है, मोर्टार क्या होता है, और बिटुमेन, बिटुमिनेट, मैस्टिक क्या होता है, पॉलीमर क्या होते हैं, कोटिंग, यूज़ ऑफ केमिकल के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लिंथ प्रोटेक्शन एंड एप्रॉन्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें प्लिंथ को जो है सीलन ना आए बिल्डिंग में, उसके लिए हमें क्या प्रोटेक्शन करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, हर एक टर्म को। फ्लोर्स, ग्लोसरी ऑफ टर्म, जैसे फ्लोर फिनिश क्या होता है, टोपिंग क्या होते हैं, अंडर लेयर क्या होते हैं, बेस कोर्स क्या होते हैं, रबल फिलिंग क्या होती है,
और दियर पर्पस, उसके पर्पस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। टाइप ऑफ फ्लोर फिनिशेस की अगर बात करें तो कंक्रीट फ्लोरिंग हो गई, सेरेमिक टाइल हो गया, टाइल वगैरह के बारे में, स्टोन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम बात करें स्पेशल इम्फेसिस ऑन लेवल स्लोप रिवर्स स्लोप इन बाथरूम टॉयलेट किचन वगैरह हो गए, बालकनी एंड स्टेयरकेस के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें हम तो रूफ यानी छत, टाइप ऑफ रूफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट पीस्ड एंड आर्चेस आर्च्ड रूफ, इसके बारे में भी देख लेंगे। इसी में ग्लोसरी टर्म्स जो यूज होंगे, बैटन एब्स फेकिया, ठीक है, बोर्ड गेबल हीप लैप पर्लिन राफ्टर लैग बोल्ड वैली रीज रैन वाटर गटर्स एंकरिंग बोल्ट्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। ये यानी ये जो रूप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्टेयर यानी सीढ़ी, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी के बारे में भी देखेंगे कि वाइंडर्स क्या होते हैं, लैंडिंग क्या होती है। ये जो हमारी स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग टर्म होते हैं जिसको हम अलग अलग कहते हैं, ठीक है ना, क्या क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा नोवेल हो गया, ठीक है, राइजर ब्लस्टर नेवेल स्ट्रिंग्स लैंडिंग वाइंडर हैंड रेल नोजिंग स्टेयर केस विड्थ क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पूछा भी जाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर केस बेस्ड ऑन मटेरियल, आरसीसी का भी हो सकता है, यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टिम्बर का हो सकता है, स्टील भी यूज़ किया जा रहा है इस समय, और एल्युमिनियम। प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ स्टेयर केस, अगर हम प्लानिंग और लेआउट करते हैं स्टेयर केस का, रिलेशन उसके में पढ़ना है कि राइज क्या होता है, थ्रेड क्या होते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ स्टेयर हैंडिंग सॉरी लैंडिंग ETC, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक। इसके बाद वेरियस टर्म फिर आ गया कि स्ट्रेट फ्लाइट, डॉग लेग, ओपन वेल, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, बाइफर्केटेड स्टेयर या स्पाइरल स्टेयर के बारे में भी हम यहाँ पे स्टेयर के केस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है, ठीक है। इसके बाद आता है सरफेस फिनिशेस, ठीक है, जब हम सरफेस को फिनिशेस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टर्म आते हैं और डिफरेंट मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, कैसे, अगर हम बात करें प्लास्टरिंग की तो हम क्या करते हैं इसको फिनिशेस के आधार पे प्लेन प्लास्टर, अगर हम बात करें ग्रिट की, फिनिश की, रफ कास्ट की, पेबल, ठीक है, डैश्ड कंक्रीट, स्टोन क्लैडिंग, ये सारे डिफरेंट क्या है टर्म है जिसके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, इन सारे टर्म्स को कवर करना, ठीक है। पॉइंटिंग क्या होता है, ठीक है, पेंटिंग क्यों जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चों को पॉइंटिंग नहीं समझ में आता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक पिक्चर लेके आएंगे, इमेज लेके आएंगे, उसके थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वुडन स्टील ये प्लास्टर वॉल सरफेस ये सब के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वाइट वॉशिंग के बारे में पढ़ेंगे, वाइट वॉशिंग यानी पुताई जो होती है वो क्यों ज़रूरी होता है, कलर वॉशिंग जो होती है वो डिस्टेम्परिंग पॉलिशिंग वगैरह जो करते हैं, ये इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब अगर हम यहाँ पे बात करें अगला एंटी टर्मेरिक मेजरमेंट एज पर IS, यानी इस कोड के आधार पे हम क्या करने वाले हैं, एंटी टर्माइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्माइट्स यानी दीमक वगैरह ना लगे, ठीक है, सीलन वगैरह जैसे होती है वहाँ दीमक वगैरह, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल यूज़ करेंगे, लेप वगैरह लगाते हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे, एंटी टर्माइट्स ट्रीटमेंट टू फाउंडेशन मैसनरी RCC फ्लोर जंक्शन, ठीक है, ऑफ वॉल एंड फ्लोर, फिर आता है ट्रीटमेंट टू वुडन ज्वेलरी, फिर ट्रीटमेंट टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं।
ठीक। और देखिए ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, मटेरियल एफिशिएंसी, यानी डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है, यही गाइडलाइन करता है बेसिकली। अगर हमारा बिल्डिंग में जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम बात करें कोड को हम फॉलो करते हैं, तो वो गाइडेंस करने वाला अगर कोई है बॉडी, तो दैट इज़ क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, NBC। तो इसके बारे में भी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या था हमारा, कि हमने देख लिया कि हमारा सिलेबस जो था वो यहाँ तक था, और हमें यहाँ तक क्या करना है, कवर करना है प्रॉपर एक अच्छे वे में, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर क्लासेस होंगी वो कल से होंगी, इसी जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें आप लोगों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सुपर से भी ऊपर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, सुपर डुपर बिल्कुल। आपके लिए जो भी टर्म्स वगैरह, जैसे आपने देख लिया कि आपका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, अब इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, और इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सीरियसली लेना है, नोट्स भी बनाना है जो आपके लाइफ टाइम काम भी देगा, और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा दैट इज़ नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर योर अपकमिंग टारगेट, या हो सकता है आप कोई अगर JEE वगैरह की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं कल एक नए एनर्जी के साथ क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।